आज का जो सी प्लस प्लस में हमारा टॉपिक है वो है यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग देखा था और ऑपरेटर्स पे हम एक्स्ट्रा वर्क करा रहे थे। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है, जहाँ पे कोई ऑपरेटर अपने प्राइमरी टास्क के अलावा कुछ एडिशनल टास्क भी परफॉर्म करता है और पॉलीमॉर्फिक हो जाता है। यहाँ पर हमने बाइनरी ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग देखी है, जिसमें हम ऑपरेटर कीवर्ड से ऑपरेटर फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर। और आपको अगर मैं कुछ दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बाइनरी ऑपरेटर्स का एग्जांपल दिया हुआ है, और उसके लिए इस तरीके से ऑपरेटर फंक्शन बनाना होता है। ऑपरेटर फंक्शन बनाना बिल्कुल सिंपल है, उसका जो सिंटेक्स होता है उसमें ऑपरेटर कीवर्ड यूज करते हैं, उसके बाद जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है उसका यहाँ पर सिंबॉल लिखा जाता है, और आर्गुमेंट के रूप में अगर बाइनरी ऑपरेटर है तो एक आर्गुमेंट पास होता है और यूनरी ऑपरेटर है तो जीरो आर्गुमेंट पास होते हैं, यानी एक कम पास होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे आर्गुमेंट क्या पास होगा, वो इस एक्सप्रेशन को देख करके हमें समझ में आएगा। ऑपरेटर के राइट साइड में जो डेटा टाइप है उस प्रकार का डेटा टाइप आर्गुमेंट के रूप में पास होगा, और ये जो एक्सप्रेशन है अगर मैं इसको दो डेट मानू, यहाँ पर D1 प्लस D2 मानू और मुझे आउटपुट में D3 मिलेगा, यानी कि कोई डेट है जो 5/12/2020, ये D1 हो गया और मैंने प्लस किया 2, या यहां पर मैं इंट ले लेता हूं, यहां पर मैंने प्लस किया है और यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ, तो उसका सिंटेक्स देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा सिंटेक्स है वो एक डेट प्लस एक इंटीजर वैल्यू और एक नया डेट हमको मिल रहा है, तो इसके राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो यहाँ आर्गुमेंट के रूप में पास होती है, और रिटर्न टाइप में जो डेट है वो ऐसा पास हो रहा है, सॉरी रिटर्न में यहाँ पर सिंटेक्स क्रिएट किया जाता है। उसको तो बनाना काफी आसान है, ऑपरेटर फंक्शन बनाना, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर देखा जाए तो जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आपके यूनरी ऑपरेटर्स और भी हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, -5 ये यूनरी माइनस कहलाता है, या फिर मैं बोलूँ कि -a ये भी यूनरी ऑपरेटर है जिसको डिक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर ये वाला जो ऑपरेटर है, कुछ ऑपरेटर्स जो हैं वो सिंगल ऑपरेंड्स के साथ यूज करेंगे वो यूनरी ऑपरेटर्स हैं। यहाँ पर बेसिकली हम ये प्लस प्लस और माइनस माइनस को ओवरलोड करके देखते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि ये दोनों ऑपरेटर, इसको प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं और इसको पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं, दोनों ही यूनरी ऑपरेटर हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर राइट साइड में तो कुछ वैल्यू है, बट यहाँ पर राइट साइड में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें इस कंडीशन में तो चलो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे कि ऐसा पास किया जाएगा, लेकिन इसमें क्या पास किया जाएगा, यहाँ पर ये थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसी को हमें समझना है। तो इसके लिए एक रूल है कि अगर इसके राइट साइड में कोई वेरिएबल है या कोई वैल्यू है, कोई डेटा टाइप है, तो यहाँ पर पास होगा। जैसे इसके राइट साइड में पहला स्टेटमेंट जो दिख रहा है उसका ये होगा, और जो दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है इसके ऑपरेटर के राइट साइड में कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो इसमें कोई भी चीज पास नहीं होगी, यानी कि ब्लैंक होगा। ये दोनों ऑपरेटर्स में, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री और पोस्ट दोनों में सिंटेक्स जो है वो चेंज होगा। प्री और पोस्ट के लिए दो अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ेंगे, ऑपरेटर फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज है और यही कंफ्यूजन पैदा करता है, और जो कि बहुत सिंपल सा चीज है। अगर आप सिंटेक्स बनाने आपको आ रहा है तो उसको भी आप काफी सारे से समझ सकते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे, जिसमें हम एक डेट लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक डेट लिया और इस डेट को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। तो डेट को जब हमने प्लस प्लस किया, या फिर इस तरीके से हम प्लस प्लस करेंगे आगे से या पीछे से प्लस करेंगे, तो इसका मीनिंग होगा कि देंगे उसमें प्लस वन हो जाएगा, यानी 5 दिसंबर देंगे तो 6 दिसंबर आउटपुट आएगा, 13 दिसंबर आउटपुट आएगा, 18 दिसंबर देंगे तो प्लस वन कर देगा।
ये हमको करना है और इसको इसके लिए हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करके देखते हैं। चलिए आइए इसको कोड करके देख लेते हैं हम लोग। एक सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी और हम लोग C++ का एडिटर विंडो ओपन करके इसको देख लेते हैं। अभी आपके सामने स्क्रीन पर C++ का विंडो दिख रहा है और हम यहाँ पर कोड करके देख लेते हैं कि कैसे ये हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए कोड करते हैं हम लोग, यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। सबसे पहले हमको एक डेट बनाना है, तो स्ट्रीम .h लिखेंगे ही। यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है डेट। हम डेट बना रहे हैं और डेट के लिए वही सिंपल कंसेप्ट है, हमने डेट बनाने के लिए DDMMYY लिया था। काफी सिंपल एग्जांपल होता है क्लास बनाने के लिए, इसलिए हम इसको लेते हैं YY। मैंने यहाँ पर एक डेट बनाई है और पब्लिक में मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। हमेशा कंस्ट्रक्टर हम बनाना भूल जाते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिना कंस्ट्रक्टर के गार्बेज वैल्यू कलेक्ट कर लेता है वो। डीडी की वैल्यू मैं 0 दे देता हूँ, एमएम की वैल्यू 0 दे देता हूँ और वाईवाई की वैल्यू 0 दे देता हूँ। इनिशियल वैल्यू 0 0 0 होगी। अब मैं यहाँ पर void get, एक्चुअली हम एक काम करते हैं, पुराने जो हमारा है उसको ओपन कर लेते हैं, इसमें फिर कोड करने से हम बच जाएंगे क्योंकि पुराना हमारा प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया हुआ कोड यहाँ पर हमारे पास है। तो ये सिंपल सा चीज है, हमारे गेट डेट ये पुराना आउटपुट है, ये शो डेट है और ये डेट का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। हमने यहाँ पर जो ऑपरेटर को ओवरलोड किया था इसको हम जो है यहाँ पर चेंज कर देते हैं। देखिए ऑपरेटर को, इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया हमने और यहाँ पर इंट सॉरी यहाँ पर डेट देना होगा आपको। या फिर प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग या पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है, एक भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो इसका क्या मतलब है कि आर्गुमेंट पास नहीं होने का मतलब है कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो जब भी मैं कोई डेट यहाँ पर पास करता हूँ और डेट जो भी पास होगी उसमें हमारा जो ऑपरेटर होगा पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी खुद का जो ऑपरेटर है यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो जो पुराना मेरा डेट है उसमें +1 होगा, मंथ वही रहेगा और ईयर वही रहेगा। अब आप यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर डेट जो है 30 से ऊपर हो जाएगी तो मंथ जो है आपका 0 हो जाएगा, सॉरी डेट डे जो है वो 0 हो जाएगा और मंथ में +1 हो जाएगा, यानी 30 तारीख के बाद, 30 जनवरी के बाद 1 फरवरी आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो हम प्लस एक्स कर रहे थे वहां पर +1 कर दिया हमने और कुछ भी नहीं किया है। अब यहाँ पर आप वॉइड मेन देखेंगे, यहाँ पर मैंने डेट D1 बनाया है और D1 को मैं शो कर देता हूँ। ये D1 बनाया और D1 को शो कर दिया, D2 का को हटा देते हैं यहां से। अब यहां पर देखिए मैं कंडीशन क्या लिख रहा हूं कि यहां पर हम रिटर्न नहीं कराएंगे, या तो मैं चाहूं तो रिटर्न ना कराऊं। उस तरीके से भी हम कर सकते हैं कि रिटर्न नहीं कराते हैं, तो सिंपल यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं हम लोग। मैं कोई रिटर्न नहीं करा रहा हूं देखिए, और यहां पर रिटर्न नहीं हो रहा है इसलिए वॉइड कर देते हैं। तो अब मैं यहां पर लिख रहा हूं D1
प्लस प्लस डी वन को इंक्रीमेंट कर दिया। उसके बाद मैं फिर से लिख रहा हूं डी वन डॉट शो, चलिए पहले इसको रन करके देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आएगा।